कार्ड जो लॉन्च किया गया है और उसे चलते हैं सिद्धि पाठक पाठक साहब ਕਿਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਏ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਇਧਰ ਕੀ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਜੋ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤੋ ਚੋਰ असली तो नहीं बन असली और डुप्लीकेट में फर्क तो रहता है फोटोकॉपी डुप्लीकेट डुप्लीकेट ओरिजिनल ओरिजिनल होता है चाइनीज माल में तुम थोड़ी गारंटी दे पाओगे प्रोडक्ट माल सही होना चाहिए हमारे पास केजरीवाल है वो गारंटी दे सकता है चाइनीज माल में गारंटी कौन दे सकता है वो सारा फर्जी जुमला है केजरीवाल साहब हले भी जेल के बीच ने और उन्होंने जगह सुनीता केजरीवाल जी ने वो इतने आके गारंटी का फंड लॉन्च करके गए ने इस पूरे समीकरण को कितना देखा जाए हरियाणा के लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जरा कह सकते हैं कि नोटिस करते हैं क्योंकि केसेस जेड़े ने ईडी दे ने फिर भावे सीबीआई दी रस च ने कोई फर्क नहीं पड़ता है ये हरियाणा का बेटा है क्या लगता है इनको कि जेल में डाल के तोड़ लेंगे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी केजरीवाल टूटने वाला नहीं है हरियाणा का खून है उसमें शेर है वो तो जेल में आप रख के देख लो अगर आपको लगता है तो जितने दिन आपकी मर्जी आप रखो जेल में बखिया उधेड़ देगी जनता इनकी एक एक स्टेट में और खासकर हरियाणा का हरियाणा के बेटे को हरियाणा में वो ना आ सके हरियाणा में प्रचार ना कर सके इसलिए जेल में रखे हो इतनी गंदी इतनी ओछी राजनीति अरे है मुकाबला हिम्मत तो सामने से मुकाबला करो ना पीछे से हमला क्यों करते हो पीछे से फर्जी झूठ फ्रॉड बना के केजरीवाल को कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि जो मर्जी कर लो जनता ने जो तय किया है वो होगा बदलाव होगा कहना हरियाणा के मुद्दे ने फिर भावे पानी का सिंचाई को लेकर मुद्दा हो या फिर जाट नौन जाट का मुद्दा होजक नशे का मुद्दा भी हरियाणा के कितना ना कि पनपना शुरू हो चुका होया नौजवान हले भी सरकारी नौकरी लैके इतने लगातार संघर्ष करता है अजिहे मुद्दे जोड़े ने बहुत अहम मुद्दे ने खास करके जिस तरीके बीते दिन एस वाई एल का मुद्दा भी कई बार उठा हुआ मुझे ये जाट नॉन जाट ये कहाँ से आता है कौन बनाता है इसको जनता कभी कहती है कि ये जाट है नॉन जाट है जनता ये कहती है ये मेरा बेटा है इसको अच्छा पढ़ाओ ये मेरा बड़ा बेटा है इसको नौकरी दो ये मेरी बेटी है इसको मान सम्मान दो ये मेरे बुजुर्ग है इनको तीर्थ यात्रा कराओ इसका अस्पताल जनता कहती है कि जाट नॉन जाट ये जो नेता है ना अपने फायदे के लिए बना के रखे है ये वो बिरादरी का ये वो बिरादरी फलाना बर्बाद कर दिया देश समाज को इन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान इतने मौजूद रहे पंजाब के और सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है वो इतने मौजूद रहे जिन्होंने सिद्ध तौर से कहा कि रवायती पार्टियां हुण पासे हट जाण जिहड़ी नवी पार्टी काम करना चाहती है उसनों मौका हुण हरियाणा देगा कैमरा परसन रजत नाल साजिंदर कुराले वी के न्यूज़ पंचकूला